तो ये है अपना KKNT रिसोर्ट कम ढाबा। तो ये पार्ट है रेस्टोरेंट पोर्शन एक्चुअली। चार कॉटेज है, एक ये हो गया, दो हो गया, सीरी है एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल वाला सीरी दिया गया। काफी कोजी फीलिंग लगी आपको ये बेलकोनी पोर्शन। हैव अ लुक। तो यहाँ आ गया हमारा लंच, एकदम लोकल डिश। नमस्ते दोस्तों, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज बॉय प्रीतम वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम। होप सब जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती करेंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिलहाल आज है 29th of November 2023 एंड आज यहां पे एक रिसोर्ट कम ढाबा की ओपनिंग हो रहे हैं, जिनका नाम है KKNT रिसोर्ट कम ढाबा, जो कि हमारा सिनोक्रोंग ब्रिज में। और इनके जो ओनर है वो मिस्टर जीतन प्रतिन है, जिन्होंने हमें पूरा फैमिली के साथ इन्वाइट किया इस ओपनिंग सेरेमनी में। बता देना चाहता हूँ, इस ओपनिंग सेरेमनी में हमारा जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो हमारे डामबुक 42nd असेंबली के ऑनरेबल MLA श्रीमती गुम तांग मैम है। साथ में हमारा निहारिका मैम भी आ रही है, जो कि हमारे एरिया का टूर ऑपरेटर है। तो सारे गेस्ट रहेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। पूरा फैमिली साथ हम रेडी हो चुके हैं, अपना लैला को भी बाहर निकल चुके हैं ऑलरेडी हम लोग गेट से बाहर। तो चलते हैं अभी वहाँ जाके, सारा चीज़ें दिखाता हूँ। डामबुक आने से आप वहाँ पे विजिट जरूर कर पाओगे, क्योंकि जब भी पासीघाट से आओगे या रोइंग से होकर पासीघाट की तरफ जाओगे, आपको वो ढाबा दिख जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट ढाबा होने वाला है डामबुक का ना, और उसमें कुछ एकोमोडेशन का भी सिस्टम किया गया है, मुझे पता चला है। तो जाके देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी है, और एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को एंड तक। चलिए चलते हैं। तो गाइस, मम्मी पापा लोग सब लोग आ गए गाड़ी के अंदर घुस रहे, और अभी चलते हैं। चलो मैं ड्राइव करूँगा, इसको यहाँ रखते हैं और डायरेक्ट रिसोर्ट जाके मिलते हैं हम लोग। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिसोर्ट। तो गैस, फिलहाल हम पहुंच गए हैं KKNT रिसोर्ट में, जो कि अपना सिनोक्रोंग बीच के पास है, और ये NH13 हाईवे है। इधर रोइंग है, इधर पासीघाट है। तो रोइंग से पासीघाट जाते समय आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, पासीघाट से रोइंग आते समय आपको राइट साइड में मिलेगा। तो ये है अपना KKNT रिसोर्ट कम ढाबा, और इसके अंदर में आपका कॉटेज वॉटेज भी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आने वाले हैं इसके इनॉग्रल सेरेमनी के लिए, उससे पहले मैं आपको अंदर का लुक दिखा देता हूँ आपको। चलिए तो चलो अंदर चलते हैं अभी। तो ये पार्ट है रेस्टोरेंट पोर्शन एक्चुअली, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर से सजाया गया, क्योंकि आज ओपनिंग सेरेमनी है और काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है यहाँ के। हियर इज़ द ग्रैंड ओपनिंग KKNT रिसोर्ट कम ढाबा। तो ये पार्ट है रेस्टोरेंट पार्ट, और पीछे साइड में आपको दिखाता हूँ बड़ा व्यू, और जो कॉटेजेस हैं वो कम्प्लीटली आपको दिखाते। चलिए, और हमारे ऑनर साहब यहीं पर। चलिए दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ रिसोर्ट पार्ट को। तो यहाँ से एंट्रेंस गेट है, जस्ट रेस्टोरेंट यहाँ पे, इसके पास में ये रिसोर्ट गेट है। तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए चार कॉटेज है, एक ये हो गया, दो हो गया, तीन, चार, टोटल यहाँ पे चार कॉटेजेस है। और आपको एक अंदर से आपको पूरा कम्प्लीटली दिखाता हूँ कॉटेज कैसा है। इस कॉटेज की एक्चुअली प्राइस है 5000 पर नाइट, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। तो दो एक कपल आराम से आके रह सकते हैं। तो ये है पहला कॉटेज, चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। जी हमें सीरी है, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल वाला सीरी दिया गया है, और यहाँ पे जो हम लोग बैठ के शाम को बैठ के आराम से हवा हवा खा सकते हैं यहाँ पे बैठ के। ये भी बेम्बू से बना हुआ है, और जो बॉडी है ना, ये भी पूरा बेम्बू से और लकड़ी से बना हुआ है, पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल में, मतलब ना लोकल ऑर्गेनिक स्टाइल बोल सकते हो आप। एंड यहाँ पे आपका शू डेक रखने वाला जगह, यहाँ पे खिड़की है। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर देखिए काफ़ी कोजी फीलिंग लगेगी आपको अंदर आके। ये पार्ट हो गया आपका मेन, जहाँ पे आप रहोगे, ये कपल्स के लिए ही है। आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे चाय के लिए सब कुछ रखा हुआ है, ग्लास में पानी वानी, चेयर है, टेबल है। यहाँ पे आप रख सकते हो अपना जो भी सामान लेके आओगे, बाकी कंबल वम्बल रखा हुआ है, जो भी आप सामान लेके आओगे अपना लगेज को आप यहाँ पे रख सकते हो। चलिए अंदर चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको वाशरूम, जो कि वेस्टर्न टॉयलेट है। ये वेस्टर्न टॉयलेट आप देख सकते हो। एंड सबसे बड़ा चीज़, इधर आपका शीशा है, सबसे बड़ा चीज़ है ये बेलकोनी पोर्शन। हैव अ लुक। तो यहाँ पे आके आप जब शाम पे बैठोगे और व्यू का शूट करोगे, आप देखो यहाँ से पूरा रिवर व्यू आपको नज़र आएगा, कंप्लीट रिवर व्यू, बहुत ही सुंदर से बनाया गया है ये सिनोक्रोंग बीच का रिवर व्यू। और ये आपको यहाँ से बेलकोनी मिलेगा पूरा कम्प्लीटली। और इस ढाबा का राइट पोर्शन में आप देख सकते हो, पूरा यहाँ में बेड़ा ला के रखा है, खाली पोर्शन है। शाम का टाइम जब सनसेट हो जाते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा हवा मारता है, मतलब ना ठंडा ठंडा, तो उस समय आप बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो शाम का व्यू को। आप ड्रोन शॉट ले सकते हो यहाँ बैठ के, बहुत प्यारा ड्रोन शॉट आता है यहाँ से। हालांकि हमारे पास ड्रोन नहीं है, वरना हम शॉट दिखाता आपको। और इसका पीछे वाला पोर्शन भी आपको दिखाते हैं, पीछे में कुछ बनने वाला है, तो यहाँ पे रेडी हो रहा है। ये एक व्यू पॉइंट ही होगा मेरे ख्याल से। और इस पोर्शन में आपका है टॉयलेट बाथरूम लुक, तो
काफी सुंदर से, और यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो। One hour later. तो यहाँ हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर आ गए, श्रीमती गुमताइंग मैडम, जो कि हमारे एरिया के एमएलए मैडम है। A few inches later. Okay, cutting ceremony done and all the guests are here. तो यहाँ पे हमारे रिसोर्ट के ओनर श्री जितेंद्र ब्रिटिश जी ने हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एमएलए मैडम एंड जेपीसी सर और हमारे टूर ऑपरेटर जो कि हमारे निहारिका मैम है, सबको मेमोंटो देके सम्मानित किया। मज़ा आया। तो यहाँ आ गया हमारा लंच, एकदम लोकल डिश। यहाँ पे चिकन, यहाँ पे पतोइन एंड दाल। यहाँ दीदी भी बैठ के खा रही है और मैं अभी खा के बताता हूँ कैसा है टेस्ट। हमारा खाना ख़त्म, बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ का, और ये अभी तक खा रही है यहाँ पे, और मैं खा रहा हूँ अभी गुलाब जामुन। अभी सब लोग बैठ के खा रहे हैं। फाइनली गाइस बैक टू वर्क। ओपनिंग सेरेमनी एंजॉय किया बहुत, लंच में बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा खाना है। ज़रूर आइएगा डाम्बुक आने से सिनोक्रोंग बीच में, NH-13 में आपको मिलेगा KKNT रिजोर्ट कम ढाबा, तो वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ का कुक एक नंबर खाना बनाता है। तो इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, होप सो आपको बहुत अच्छा लगे होगा ये ब्लॉग, एंड तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं फिर से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने मन के करें अपने दिल के साथ। जय हिंद जय भारत एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। बाय बाय, टेक केयर।